हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाले मुश्किल में पड़ गए। एफआईए तफ्तीशी अफसरों को गैर मुल्की नंबर से फोन पर धमकियां। सरफराज मर्चेंट ने एमकेएम कायद समेत कई अफराद पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। पीपल्स पार्टी और शरीफ फैमिली के बाद चौधरी बरादरान की बारी आ गई। असासा जात रेफरेंस में चौधरी शुजात और परवेज इलाही का कल नैब लाहौर के रूबरू पेश होने का फैसला। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 2001 में तहकीकात का आगाज किया था, ताहम मुशर्रफ हुकूमत में शामिल होने पर केसेस बंद कर दिए गए थे। सिंध में मर्दम शुमारी के नतीजे के खिलाफ एमकेएम पाकिस्तान कराची में अपनी कुव्वत दिखाने के लिए तैयार। लियाकताबाद में शाम को जलसा होगा, फारूक सत्तार खिताब करेंगे। आम इंतखाबात में ताखिर हुई तो पूरी कौम नतीजे भुगतेगी, आफताब शेरपाओ ने खबरदार कर दिया। कहा चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, पाटा का इंतजाम ही कबाइली आवाम की मुश्किलात का हल है। इसलिए निकाला 30 साल इस कौम का पैसा लूटा, क्या नवाज शरीफ रोकेगा और क्या मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी लेके आएगा? अल्लाह ने लगता है ये मुश्किल से ही लेना है। इमरान खान की आसिफ जरदारी को ललकारने के लिए सिंध में फिर एंट्री उबारों में पहुंचा जलसा गांव में पार्टी परचमों की बहार। में एहतसाब की लहर, काबीना के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में शहजादा वलीद बिन तलाल, वजीर मईशत आदिल फकी, नेशनल गार्ड के सरबरा मुत्तलिब बिन अब्दुल्ला समेत दर्जनों अफराद गिरफ्तार। सऊदी बहरिया के सरबरा अब्दुल्ला सुल्तान भी बरतरफ, फहद बिन अब्दुल्ला बहरिया के नए सरबरा मुकर्रर। मुश्तबा फरार रोकने के लिए मुल्क में निजी परवाजों पर पाबंदी आई। सऊदी अरब में नए कानून का नफाज, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर 15 बरस कैद होगी। बादशाह और वलीअहद की तौहीन पर भी 5 से 10 बरस कैद काटना पड़ेगी। करप्ट अफराद के अकाउंट और असासे जब्त कर लिए जाएंगे। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई इस्लाहात के आगाज का मजर है। सऊदी वजीर इत्तला सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में शाह खालिद एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला नाकाम बना दिया गया। मिसाइल को फजा में ही मार गिराया था। हमले की जिम्मेदारी हौसी बागियों ने कबूल कर ली। अमरीकी सदर एशियाई ममालिक के दौरे पर जापान में मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी वजीर आजम के साथ गोल्फ खेली। कहते हैं रूसी हम मनसब व्लादिमिर पुतिन से भी मुलाकात मुतवक्के है। दौरे एशिया पर अमरीकी सदर के अपनी हिफाजत के लिए सख्त इंतजाम। बेश कीमत लैमोजिन कार द बीस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गाड़ी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और जदीद तैयार से लेस है।
पंजाब में आलूदा धुंध से आज भी जमीनी और फिजाई ट्रैफिक मुतासिर रही। गाजे मंसूख, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध से फीडर्स भी ट्रिप। बेशतर मुकामात पर बिजली बहाल। स्मोक का सबब भारतीय किसान है, फसलों की बाकियात जलाते हैं। धुआं, धूल और मिट्टी मिलकर स्मोक बनकर पाकिस्तान की फिजाओं में है। नासा की तस्वीर ने भांडा फोड़ दिया। आजाद कश्मीर के इलाके कोटली में गाड़ी खाई में जा गिरी, हादसे में 5 अफराद जां बहक, 9 जख्मी हो गए। मैंने चाइल्ड राइट्स पे के लिए आवाज़ उठाया है और चाइल्ड राइट्स में सबसे पहले आता है एजुकेशन, अर्ली मैरिज और अर्ली एजुकेशन पे, और सबसे जो मेन फोकस था हमारा वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट जो कि बहुत आम है यहाँ पे। बच्चों पर तशद्दुद नामंजूर, सवात की 14 साला तालिबा हिरा अकबर की तवाना आवाज़ भी सतह पर गूंज। हिरा अकबर इंटरनेशनल पीस प्राइज के लिए नामजद।